I'm a full blown alcoholic and I have a drinking problem. ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है ना कबीर की लाइफ में, ये सिर्फ उस लड़की की वजह से। जो तू नहीं है वो होने का कोशिश मत कर भाई, सोसाइटी देख तेरा। साला अभी भी अगर सिर्फ फ्रेंची पे खड़ा रहेगा ना लोकन वाला के सामने 50 हजार के ऐसे ही गिरेंगी। साला हीरो है तू। कबीर सिंह का सीक्वल क्यों बनाया जाएगा और अनुराग कश्यप ने कबीर सिंह के बारे में ऐसा क्या बोला जिसे सुनकर मेकर्स उछल पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर साल की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म टाइप का कोई अवार्ड होता तो वो सीधे सीधे कबीर सिंह को मिलता। शाहिद कपूर की ये फिल्म 21 जून 2019 को रिलीज हुई थी और तब से आज की तारीख तक ये फिल्म खबरों में बनी हुई है। कभी डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, कभी विजय देवरकोंडा, कभी खुद शाहिद, तो कभी कोई और फिल्म मेकर या एक्टर फिल्म के बारे में ऐसा कुछ कह देता है कि लोग कबीर सिंह को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो अब अनुराग कश्यप ने इस फिल्म के बारे में कुछ कहा है, वो भी इसके समर्थन में। दरअसल अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा, कबीर सिंह पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। कोई भी फिल्म बना सकता है और हर तरह की बनानी चाहिए, हर तरह के लोगों को दिखाना चाहिए। कबीर सिंह 75-80% शहर के लड़कों को रिप्रेजेंट करती है, तो उन्हें क्यों नहीं दिखाना चाहिए। अगर मैं इससे सहमत नहीं हूं तो मैं इसे नहीं देखूंगा, लेकिन कई बार अपने आप को देखना भी जरूरी होता है। सबसे पहली बात ये कि वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं किसी चीज से सहमत नहीं या अगर मैं किसी एक प्रकार के सिनेमा को सिनेमा मानता ही नहीं, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। मैं उस पर बाध्यता नहीं लाद सकता, हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। हर समय पॉलिटिकली करेक्ट होने से मदद नहीं मिलती है। एक देश होने के नाते इंडिया में पिछले 75 ईयर्स में पॉजिटिव मैसेज देने वाली और हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरी ही बनाई गई है। ये हमें कहां ले आया है। लोगों को कभी कभी असहज करना बहुत जरूरी होता है। कई फिल्म क्रिटिक्स ने कबीर सिंह को महिला विरोधी फिल्म माना था, जो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का महिमा मंडन करती है। इस फिल्म को चुनने और कबीर का रोल करने की वजह से शाहिद कपूर की भी आलोचना हुई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में शाहिद कपूर से फिर एक बार उनकी फिल्म और कैरेक्टर को लेकर सवाल किया गया, तो इस पर शाहिद ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमने फिल्म में कबीर को किसी भी तरह से सही साबित करने की कोशिश की। कबीर गड़बड़ी से भरा इंसान था जो ऐसी कई चीजें करता है जो अच्छे लोग नहीं करेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि कबीर बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छे काम करता है। हमने बहुत शुरुआत से ये कहा है कि कबीर सिंह बहुत ही बिगड़ैल और हिंसक इंसान का किरदार है, लेकिन उसके पास दिल भी है। और इस बात को ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अगर हम ये दोनों चीजें नहीं दिखाएंगे तो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित होगी। अगर आप समाज की किसी दिक्कत को दूर करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको उस दिक्कत पर बात करनी होगी। अगर हिंसा और बुरा बर्ताव समाज की समस्या है और अगर आप फिल्म में नहीं दिखाना चाहते हो तो लोग उस पर कैसे बात करेंगे। आज कबीर सिंह की वजह से अच्छे और बुरे व्यवहार को लेकर बात तो हो रही है। सिनेमा का काम असल जिंदगी को पर्दे पर दिखाना है ताकि उस पर बात हो सके। हर एक इंसान उस पर क्या बात करता है और क्या सीखता है, ये वो खुद तय करता है। सिनेमा उस थेरेपी की तरह काम करता है जहां आप चीजें देखते हैं और भावनात्मक तौर पर उनसे प्रभावित होकर सीखते हैं। सिनेमा जिंदगियों को पर्दे पर दिखाता है और जब जिंदगी पर्दे पर दिखाई जाती है तो उसमें पूरी ईमानदारी बरती जाती है। आप पाखंड नहीं कर सकते कि एक चीज दिखाएं और दूसरी चीज छुपा ले। मैं बहुत खुश हूं और लोगों को इस किरदार को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया भी कहना चाहता हूं। वेल, दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कबीर सिंह शाहिद कपूर के 16 साल के लंबे करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। साल 2019 की ये दूसरी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है। पहले नंबर पर है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर।
वेल, लोग दो ही तरह की फिल्म देखना पसंद करते हैं, एक तो जिनमें एक ऐसा हीरो हो जो सुपर हीरो की तरह कारनामे करे, सर्वशक्तिमान टाइप हो, दूसरी वो फिल्में चलती हैं जिनमें लोगों को अपने तरह का रिलेट कर पाने वाला कोई कैरेक्टर नजर आता है। कबीर सिंह के पॉपुलैरिटी की वजह यही दूसरी वजह है, जिसके बारे में अनुराग कश्यप ने भी कहा है। तो इन बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कबीर सिंह का सीक्वल तो जरूर बनाना चाहिए। वेल, क्या आप भी चाहते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल बने? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।